मैं हूं सुलेमान खान और आप देख रहे हैं मैथ सीखिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज का हमारा लेक्चर है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन हम यूज़ करते हैं पॉलीनोमियल्स के लिए। अगर एक पॉलीनोमियल दूसरे पॉलीनोमियल पे डिवाइड करना चाहें तो ये उसके लिए सबसे आसान तरीका है। इससे पहले ये क्लास नाइन्थ में हमने लॉन्ग डिवीजन पे किए थे, एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल। अगर हमारे पास ये एक पॉलीनोमियल है और दूसरा ये, तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन पे सीखा था, जिसका कुछ तरीका इसी तरह था कि अगर हम लिखें 3x³ प्लस 2x² माइनस 150 और x माइनस 4, ये इसी तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। उसका प्रोसेस कुछ इस तरह है कि हम पहले लिखेंगे x माइनस 4 को अगर देखें तो हम डिवीजन के लिए यूज़ करेंगे सबसे पहले क्या, अगर ये माइनस में है तो हम क्या लेंगे, प्लस 4, अगर ये प्लस में है तो माइनस 4। या इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि x माइनस 4 ये इक्वल होगा x माइनस a का। इससे अगर हम a का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, x के साथ माइनस माइनस के साथ, तो a वैल्यू हमारे पास क्या, 4। तो हम इसी तरीके से भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे इजी अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखें और प्लस है तो माइनस लिखें। फिर हम कोएफिशिएंट लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x³ हमारे पास क्या है, 3। फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस 2 x² के लिए। यहाँ पे क्योंकि क्यूब है फिर स्क्वायर है, और फिर हमारे पास क्या आएगा, इसका इसी तरह लिख सकते हैं कि x³ माइनस 2x² प्लस 0x, क्योंकि x नहीं है तो उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, तो क्या होगा, 0 और माइनस 150। अब डिवीज़न के लिए हम यूज़ करें तो क्या होगा, हमारे पास डिवीज़न के लिए होगा 4। तो डिवीज़न के लिए हमने सीखा कि हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³ हमारे पास 3, x² हमारे पास 2, और जो भी ना हो, मतलब अगर x² ना हो तो उसकी जगह 0 लिखेंगे, लेकिन यह x² है, x नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 पुट किया और माइनस 150। अब डिवीज़न का प्रोसेस क्या है कि ये अपनी जगह लिखेंगे क्या, 3, नीचे लेके आएंगे, फिर 4 और 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 12, 3 4 12, ये एक दूसरे से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10, फिर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 40, और फिर ये ऐड करें तो हमारे पास 40, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 160, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर 10। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो इसी क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हमने क्या लिखा है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 10, और हम लिखेंगे कि 3x² प्लस 10x प्लस 40, ये हमारे पास क्या है, इसका कोएफिशिएंट होगा।